बहुत सारे केसेस में कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है, जितने भी एमी कॉलेजेस हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं वो स्टार्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन न्यू सीरीज जिसका नाम है #YourAviationDoubts। जी हाँ, तो मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ चैनल पे। मैंने पहले बहुत सारे सीरीज दे रखे हैं एविएशन सीरीज के ऊपर, एमी सीरीज के ऊपर, जो कि आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था। बट क्योंकि अभी आपके इतने बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे एंड कमेंट सेक्शन में, तो सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक आपसे रिलेटेड, यानी कि आपसे आपका जो क्वेश्चन है उसका प्रॉपर मैं आंसर दे सकूँ, बिकॉज लिख के पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सोच रहा हूँ कि एक वीडियो के फॉर्मेट में एक सीरीज ही क्यों ना बना दिया जाए, जब तक आपका डाउट्स खत्म नहीं होता है तब तक। और बाकी कुछ कुछ वीडियो आते रहेंगे। तो जो सीरीज का नाम है, देखो मैं सब कुछ यहाँ पे लिख के रखा हूँ, पूरा स्क्रिप्ट है कि किस तरह से आपको क्या प्लान्ड वे में जो कंटेंट है वो देना है। और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं। और आपको पता ही है कि करीब एक सप्ताह से वीडियो नहीं आ रहा है, तो वीडियो ना आने के पीछे जो रीज़न है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी चल रहा था और एट द सेम टाइम मेरा जो तबीयत है वो भी सही नहीं था। तो इस कंडीशन में वीडियो बनाना सही नहीं लगा मुझे, और वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। ऑब्वियसली आपका जब हेल्थ सही नहीं है तो आप समझ रहे हो। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि पहले की तरह वीडियो रेगुलर डालूं, और इस बार जो है अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको डालूं, ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और आप कुछ यहाँ से सीख के भी जाएं। तो ये मेरा मोटिव रहेगा, यानी कि 2022 में मेरा जो मोटिव है वो आपको कुछ सिखाना है, कुछ नॉलेज देना है, कुछ मोटिवेशन देना है। तो आप ये समझ के चलिए, ठीक है। तो #YourAviationDoubts episode 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, आप ये सोच रहे हो कि आप इस सीरीज में नया क्या दिखाओगे, नया क्या दोगे। तो यार देखो, ये जो सीरीज है #YourAviationDoubts, इसमें प्रॉपरली जो भी कंटेंट मैं लाऊंगा ये आपके पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर होगा। यानी कि आप जो भी क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हो, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछते हो, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैंने ट्विटर का अकाउंट भी खोल लिया है, टेलीग्राम भी ओपन कर दिया है। तो आपको जितने भी जो भी सोशल मीडिया है, आपको जिन पे भी सवाल पूछना है, जिन पे भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया का लिंक होगा, आप जाओ और उसको फॉलो करो, और वहाँ पे जो अपना क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। बट मोस्टली मैं एक्टिव इंस्टाग्राम पे रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके। तो भाई चलो वीडियो को शुरू किया जाए। बट वीडियो शुरू करने से पहले तीन रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा करता हूँ, तीन एडवाइस जो हमेशा आपको देता हूँ, वो आज भी सुन लो आप। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर चैनल पे नया हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, मोटिवेशनल कंटेंट से रिलेटेड और एविएशन नॉलेज से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो, तो इस चैनल को, यानी कि द एविएशन माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, और बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और सेकंड जो पॉइंट है, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको क्वेश्चंस पूछना है, आपको जो भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, और जितने भी सोशल मीडिया हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्टली उसका भी नाम द एविएशन माइंड से ही है, बट अभी मैं धीरे धीरे उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लो, सॉरी उसको भी फॉलो कर लो और इंजॉय कर सकते हो। और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपसे कोई भी एविएशन में जॉब के नाम पे, इंटरव्यूज के नाम पे, सिलेक्शन के नाम पे पैसे मांगता है, तो आपको उसको पैसे नहीं देना है, बिकॉज एविएशन में जॉब के लिए पैसे नहीं लगता है। अगर आप जाल साजों से बच कर रहे हैं, फ्रॉड जो करते हैं उनसे बच कर रहे हैं, और आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आज के इस नए सीरीज को नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछा गया है इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि चेतन ने पूछा है। तो आइए वो कमेंट को समझते हैं, वो जितने भी इनका डाउट्स है उसको समझते हैं, क्योंकि ये डाउट सिर्फ चेतन का ही नहीं, आपका भी डाउट हो सकता है, या आपके कोई रिलेटिव है उसका भी डाउट हो सकता है, आपके ब्रदर का भी डाउट हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो गाइज, क्योंकि ये पूरा कमेंट को याद करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इस पर लिख रखा है सारे कमेंट्स, और किस किस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ सारा डिटेल में लिखा हुआ है। तो मैं ये पढ़ के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला तो गाइस ये लिखते हैं, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आगे लिखते हैं, आई नीड गाइडेंस फॉर कैरियर इन एविएशन। सर, आई हैव कंप्लीटेड माय एमी कोर्स, बट आई डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट एंड इवन माई कॉलेज इज नॉट दैट सपोर्टिव। सर प्लीज गाइड मी टू चूज अ वे थ्रू ऑल दिस। फिर आगे लिखते हैं, आई एम रियली सो टेंस्ड एंड डिप्रेस्ड अ लॉट, आई हैव आइडिया अबाउट द फील्ड, सर कैन यू प्लीज हेल्प मी थ्रू इट। बहुत सारे केसेस में कॉलेज सपोर्ट नहीं करता है, जितने भी एमी कॉलेजेस हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो स्टार्टिंग में आपसे ये बोलते हैं कि मैं प्लेसमेंट दे दूंगा, मैं 100% प्लेसमेंट दे दूंगा,
मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतना सैलरी होगा, उतना सैलरी होगा, बट ये कॉलेज ख़त्म होते होते सब कुछ फेक साबित होता है। और इसी का वजह है कि जो स्टूडेंट एमी में एडमिशन लेते हैं वो डिप्रेशन एंड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। अगर उनको स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाए कि भाई आपको इन इन प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इन इन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, हो सकता है आपको कॉलेज पास आउट करने के बाद 2 साल वेट करना पड़े, और ठीक है उसके बाद भी आपको जॉब ना लगे, फिर प्रिपरेशन करके फिर आपको जॉब लगे, तो ये स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट हैं उनको नहीं बोला जाता है। इसके वजह से जो वो सोचते हैं कि मैं जैसे ही कॉलेज पास आउट करूँगा तो जॉब मुझे मिल जाएगा, ये होप लेकर आते हैं एविएशन सेक्टर में, और वो डिप्रेशन एंड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। तो और ऐसा मैं एक केस नहीं, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना हूँ बिकॉज ये बहुत लोग का ऐसा केस है। ठीक है, हर एक लाइन में आप यू नो प्रॉब्लम देखोगे, जैसे कैरियर इन एविएशन कैसे बनाएं, कॉलेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं एमी कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, तो इसका सलूशन क्या है आखिर, आखिर हमें क्या ध्यान रखना है? चलो कॉलेज को आप छोड़ दो, कॉलेज को चलो आप, आपका जो कॉलेज है वो आपको आइडिया नहीं दिया, आपको नॉलेज नहीं दिया इस चीज़ का, क्योंकि उसको यार ऑब्वियसली पैसे से मतलब होता है, बट अब क्या करें, अब तो मैंने एमी कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, कॉलेज वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, तो करें क्या? तो सुन लो ध्यान से, देखो सबसे पहला चीज़ तो टेंशन एंड डिप्रेशन लेने से लाइफ में कुछ हासिल नहीं होता है, आप जो भी करने का सोचते हो वो भी आपसे नहीं हो पाता है, और भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो टेंशन एंड डिप्रेशन लेना तो एक सही चीज़ नहीं है, जेन्युइन है, आ जाता है। तो आई होप मेरे कहे हुए बातों से आप लोग सहमत हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप लेना है आपको ये लेना है कि आप जैसे ही आपका एमी कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद आप तुरंत तो सोचते हैं कि यार मैं घर चला जाऊँ, अपने गाँव चला जाऊँ, तो सबसे पहला गलती तो लोग ये करते हैं कि मैं घर चला जाऊंगा, वहाँ से तैयारी करूंगा, फिर वो नहीं हो पाता है। ठीक है, आपको सबसे पहला चीज़ ये करना है कि आपको घर जाने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रोक सको अपने आप को। ठीक है, आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में चले जाओ, दिल्ली मुंबई, वहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं जॉब लेने का। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप कोशिश करो सबसे पहला चीज़ कि आप OJT अगर आप कहीं से नहीं किए, यानी कि एक्सपीरियंस 6 महीने या 1 साल का अगर आप कहीं से नहीं लिए हो, तो कहीं से भी, यानी कि छोटा छोटा बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में आप OJT लो, तो OJT मिलेगा कैसे आपको? आपको करना यह है कि आपको दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना है, और जितने भी एविएशन कंपनीज हैं, जितने भी मेंटेनेंस कंपनीज हैं, वहाँ पे आकर आपको बाई हैंड रिज्यूम सबमिट करना है ऑफिस में जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत सारे लिंक्डइन और जितने भी सोशल मीडिया हैं उनसे आपको टच में रहना है, जो भी वैकेंसीज आते हैं इंटरनेशनल बाहर के वैकेंसीज आते हैं या अपने देश में वैकेंसी आता है उसमें आपको, चाहे आप एलिजिबल हो ना हो, आपको अप्लाई कर देना है। अगर वो मांगता है कि आप एमी कोर्स किए हुए होना चाहिए तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहो, साथ ही साथ OJT तो आपको करना ही है अगर मिलता है तो, और हर कंपनी में जाके आप रिज्यूम दो, तो आपका क्या होगा, वहाँ से एक्सपीरियंस होगा, और एट द सेम टाइम, देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन टेंशन एंड डिप्रेशन को भगाने का एक ही तरीका है, आप OJT करते रहो। ठीक है, उसके साथ साथ आप जितने भी सिलेबस आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि आपको बेटर जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको जो भी एमी में सिलेबस पढ़ाया गया है, यानी कि एरोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल, CIR, आपको हर एक सिस्टम, आपको हर एक चीज़ को रिवाइज करना है, बिकॉज एविएशन में, एमी में आपको जो मेनली है, आपका तो एक्सपीरियंस चल ही रहा है बट आपका नॉलेज भी टेस्ट होता है, तो नॉलेज आपका सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको बुक से, तो आप बुक्स भी पढ़ते रहो, और कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है शेड्यूल में, नॉन शेड्यूल में, अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो आप वहाँ के लिए अप्लाई करो, और डेफिनेटली यार मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली अगर आप लगे रहोगे, चलो 6 महीना, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल बाद तो आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मेरे तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं जितना आपको मोटिवेट कर सकता था उतना आपको मोटिवेट किया, आपको ये सुनना ना सुनना ये आपके ऊपर है। तो और मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। ठीक है, तो मैंने बेसिक वही पॉइंट लिखा था कि टेंशन एंड डिप्रेशन नहीं लेना है, और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, जो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे, आप पॉजिटिव कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा वो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी सारे मैंने पॉइंट लगभग कवर कर दिया है। तो यही था हमारा आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा हेल्प किया हो, अगर आज का वीडियो हेल्प किया है तो इसी तरह से
आगे भी इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और भी सोशल मीडिया का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स डालता हूँ, यानी कि घूमने फिरने से रिलेटेड। फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज कोविड धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शन है दिल्ली मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो खत्म हो रहा है, तो जहाँ भी मैं जाऊँगा आपको लेकर चलूँगा, बहुत अच्छे अच्छे जगह घुमाऊँगा। तो अगर आप नए हो चैनल पे, तो अगर आप अभी तक मेरा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, उसको भी सपोर्ट करो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, एक और नए मोटिवेशन के साथ, एक और नए क्वेश्चन के साथ। Till then, do whatever you want to do. Do double, please don't trouble anybody. Have a take care and see you. Jai Hind.